आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज की सात बड़ी नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें आपके लिए दिसंबर 2022 के रिवैल्यूएशन के रिजल्ट की भी नई अपडेट है और साथ ही साथ आज आपका बहुत दिनों बाद ग्रेड कार्ड भी अपडेट किया गया। तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा जरूर देखें, अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप जून 2023 के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उनकी तैयारी को अच्छा करने के लिए आप नीरज पब्लिकेशन की गाइड खरीद सकते हैं मेरे दिए हुए लिंक से। आपको मेरा लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस लिंक से आप नीरज पब्लिकेशन की जो इग्नू गाइड्स हैं उनको खरीद सकते हैं, जिनमें आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ आपको हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उनके आंसर भी मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छी गाइड है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन सभी गाइड्स को, नीरज पब्लिकेशन की गाइड्स को, आप मेरे दिए हुए लिंक से ही खरीदें जो कि इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली अपडेट के बारे में बात करते हैं और आज आपके लिए ग्रेड कार्ड अपडेट किया गया। आपके लिए जो लास्ट अपडेट आई थी ग्रेड कार्ड की वो 16 मार्च 2023 को आई थी, उसके बाद आज 23 मार्च 2023 को ग्रेड कार्ड की आपको नई अपडेट देखने को मिल रही है। इसका मतलब है 7 दिनों बाद आपको ग्रेड कार्ड की नई अपडेट देखने को मिल रही है। तो इस बीच जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका थ्योरी एग्जाम रिजल्ट आया था या फिर दिसंबर 2022 का भी रिवैल्यूएशन की 3 अपडेट आ चुकी हैं, तो उन अपडेट को भी इसमें चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका असाइनमेंट, प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट का रिजल्ट आया था तो वो भी आप ग्रेड कार्ड में अपना चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं और आपके लिए दिसंबर 2022 के रिवैल्यूएशन के रिजल्ट की आज तीसरी अपडेट जारी की गई। इससे पहले आपकी 16 मार्च को एक अपडेट जारी की गई थी, उसके बाद फिर आपकी 21 मार्च को एक अपडेट जारी की गई रिवैल्यूएशन के रिजल्ट की, और आज 23 मार्च 2023 को आपके लिए एक और नई अपडेट जारी कर दी गई है। यानी कि ये कुल मिलाकर तीसरे रिवैल्यूएशन की जो है आपकी अपडेट है दिसंबर 2022 की। आप इसको चेक कर सकते हैं, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर से आप सीधा यहां पर पहुंचकर अपना 9 या 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर डालकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आपके लिए दिसंबर 2022 का थ्योरी एग्जाम रिजल्ट जो है उसकी भी नई अपडेट आज जारी की गई। ये टोटल अगर हम बात करें तो 30वीं आपके लिए नया जो रिजल्ट है उसकी अपडेट है, 30वीं रिजल्ट की अपडेट है। इससे पहले 29 अपडेट्स आपके लिए जारी की जा चुकी है। इसकी लास्ट अपडेट जो आई थी वो 21 मार्च 2023 को आई थी। जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका किसी भी सब्जेक्ट का अभी भी थ्योरी एग्जाम रिजल्ट रहता है दिसंबर 2022 का, तो वो इसको जरूर चेक करें। आपका दिसंबर 2022 के एग्जाम रिजल्ट की 23 मार्च 2023 को एक और नई अपडेट आपके लिए जारी कर दी गई है। ज़्यादातर स्टूडेंट का जून 2022 के थ्योरी एग्जाम रिजल्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 90 से 95% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपका रिजल्ट रहता है किसी भी सब्जेक्ट का, जून 2022 में आपने थ्योरी एग्जाम दिए थे और उनमें कोई सब्जेक्ट है जिसका रिजल्ट रहता है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज 23 मार्च 2023 को आपके लिए जून 2022 का रिवैल्यूएशन का रिजल्ट भी आज डिक्लेयर किया गया। इसकी पहले भी काफ़ी सारी अपडेट्स आ चुकी है, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट जिन्होंने भी रिवैल्यूएशन के फॉर्म भरे थे जून 2022 के लिए उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका जून 2022 में उन्होंने एग्ज़ाम दिए थे जिसके उनके बाद उन्होंने रिवैल्यूएशन के फॉर्म भरे, तो उसके रिजल्ट उनका अगर डिक्लेयर नहीं किया गया था तो आज 23 मार्च 2023 को एक बार फिर से नई अपडेट आपके लिए जारी की गई है जिसको आप चेक कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने दिसंबर 2021 का रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा था और उसका रिजल्ट अभी तक उसके लिए डिक्लेयर नहीं किया गया, तो आज फिर से आपके लिए रिवैल्यूएशन जो है दिसंबर 2021 के रिजल्ट की अपडेट जारी की गई है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए।